हे एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरा टेक्निकल वीडियो चैनल में। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप अपनी फेसबुक की थीम को डार्क मोड कैसे कर सकते हो, मतलब अपने फेसबुक को आप डार्क मोड कैसे कर सकते हो। तो चलिए, उसके लिए जाना होगा हमको अपने प्ले स्टोर में। तो देखिए, मैं आ गया हूँ अपने प्ले स्टोर में, और यहाँ पर आपको एक नाम सर्च करना है एप्लीकेशन का, हरमिट। देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन आ रही है, मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, आप भी डाउनलोड कर लेना। मैं ओपन करता हूँ अभी, और ओपन करने के बाद में हमारे सामने कैसा इंटरफेस आएगा। और देखिए, मैंने ओपन कर लिया, और उसके बाद में यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही हैं, आपको जो भी डार्क मोड करना है वो कर सकते हो। यहाँ से देखिए, बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है, ये सारी डार्क मोड हो सकती हैं। आप डार्क मोड करना चाहते हैं, ये सारी डार्क मोड हो जाएंगी। बाकी चलो, मैं दिखाता हूँ आपको कि अपना फेसबुक कैसे डार्क मोड करना है। तो इसको फेसबुक को क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद हमारे नीचे एक एप्लीकेशन आ गया है, इंस्टॉल हो रही है। और होने के बाद में देखिए, हमारी ये एप्लीकेशन ऐसे हो गई है। मैंने क्लिक किया उस पर, क्लिक करने के बाद में तो देखिए, यहाँ पे अपना फेसबुक लॉगिन करना है आपको। मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया, मैं लॉगिन करता हूँ। तो देखिए, हमारी फेसबुक यहाँ पे लॉगिन हो गई है, और आपको ये कैसे यूज़ करनी है। अभी डार्क मोड नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे डार्क मोड नहीं हुआ है, देख सकते हो आप। तो मैं बताता हूँ आपको ये डार्क मोड कैसे होगा। ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग में जाने के बाद नीचे जब आप जाओगे तो एक आपको कॉर्नर में डार्क मोड दिखाई देगा, इसको क्लिक कीजिए और रिस्टार्ट। बस देखिए, हमारा ये डार्क मोड हो गया। और ऐसे इजीली आप ये इसको डार्क मोड कर सकते हो, और बहुत ही इजी है ये, इससे कोई भी एप्लीकेशन आप डार्क मोड कर सकते हो। और मैंने वैसे बिना एप्लीकेशन के, बिना रूट किए, ये आपका मैसेंजर डार्क मोड में करके दिखाया। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो कैसे करना है आपको। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इस फेसबुक को होम स्क्रीन पे कैसे लगा सकते हो इसको। तो इसके लिए आपको जाना है अपने बैक, बैक जाने के बाद में आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, और आपको यहाँ नीचे कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा बॉक्स जैसे, और जब उसको क्लिक करोगे आप, वहाँ पे बगल से फेसबुक के थ्री डॉटेड आ जाएंगी। थ्री डॉटेड को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने एक ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखा होगा थर्ड नंबर पर ऐड टू होम स्क्रीन। तो आप जब ऐड टू होम स्क्रीन कर दोगे तो आपकी ये एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर आ जाएगी। देखिए, हमारी होम स्क्रीन पर एप्लीकेशन आ गई है फेसबुक, और आप भी इजीली ऐसे कर सकते हो।